Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो इस एपिसोड में हम देखेंगे किन्नान की रियल पावर को, जिसे देख करके सारे एल्डर और डिसाइबल शॉक्ड में आने वाले हैं, साथ में वो दोनों सीनियर भी। तो अब यहाँ से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे किन्नान ने सिस्टर शिहाउस से परमिशन ले ली होती है अपनी पावर को इस बैटल अरीना में शो करने के लिए। तभी किन्नान उस बैटल अरीना के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है, उसे देख करके रोलॉन उसे घूरने लगता है। तभी किन्नान उस बैटल अरीना में जाकर के गहरी सी सांस लेता है, और तभी इस चीज को देख करके रोलॉन कहता है कि अरे यहाँ पे सबको पता है कि तुम्हारे पास फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इतना भी क्या इंतजार कराना, चुपचाप अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखा दो। तभी एक एल्डर कहता है कि बेवजह तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालोगे, अपने सेक्ट की भी बेइज्जती कराओगे, साथ में अपनी भी, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी किन्नान उन लोगों की बात को इग्नोर करता है। ये सब वही होते हैं जो किन फैमिली को छोड़ करके फैंग फैमिली में ज्वाइन कर लेते हैं, और इस सारी बात को सुन करके किन्नान के फादर को भी काफी बुरा लगता है, और वो बोलते हैं बेटा वापस आ जाओ, रहने दो। और वहां पे किन्नान की सर्वेंट को भी काफी बुरा लगता है, और वो गॉड से प्रे करने लगती है। और तभी हम देखते हैं किन्नान गहरी सांस लेकर के अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को अवेक करता है, और तभी उसकी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। रोल ऑन तो अपनी नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं पाता है, और तभी वो सिक्स एल्डर अपनी आंख खोल करके देखता है, उसके सामने गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्प्रिट होती है, जो कि सिक्स लेवल पे होती है। ये देख करके सबकी आंख खुल जाती है कि आखिर ये कौन सी मार्शल स्प्रिट है। तभी हम देखते हैं कि किन्नान के फादर को सांस पे सांस आती है, और वो कहते हैं कि क्या मेरे बेटे के पास सिक्स लेवल की मार्शल स्प्रिट है। और तभी उसका अंकल कहता है यंग मास्टर ने तभी स्वॉर्डमैनशिप को इतनी जल्दी से मास्टर कर पाए थे क्योंकि लिए उनके पास इतनी टेरिफाइंग पावर जो थी। तभी हम देखते हैं किन्नान का फादर काफी ज्यादा गर्व फील कर रहा होता है, साथ में किन्नान के जितने भी सेक्ट एल्डर होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं, और उनको यहाँ पे उम्मीद की किरण नजर आती है। और तभी हम देखते हैं सेक्ट एल्डर भाई मोटू किन्नान से कहता है कि तुम्हारे पास तो फर्स्ट लेवल की मार्शल स्प्रिट थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, आखिर यहाँ पे कैसे। और ये कहते ही वो वहां पे छुप हो जाता है। तभी रोल ऑन कहता है कि भले ही तुम्हारे पास सिक्स लेवल की मार्शल स्प्रिट है तो क्या हुआ, मेरे पास भी सिक्स लेवल की मार्शल स्प्रिट है, तो आज हम देख लेते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। और तभी रोल ऑन कूद करके एक पंच किन्नान को मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किन्नान अपनी शॉट को निकाल करके उसके सामने रख देता है, जिसकी वजह से उसके पंच को अपनी शॉट से ही रोक लेता है। ये देख करके सब वहां पे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि कोई भी वहां देख नहीं पाता है। तभी रोल ऑन अपने लेग से उसको किक करने वाला होता है, तभी किन्नान अपनी शॉट से उसे भी डिफेंड कर लेता है। ये देख करके रोल ऑन के तो होश उड़ जाते हैं, और तभी रोल ऑन स्काई में उड़ करके अपनी मार्शल स्पीड को अवेक करता है और किन्नान की ओर छोड़ देता है। तभी किन्नान अपनी मार्शल स्पीड को अवेक करके एक ही स्लैश में रोल ऑन की मास्टर स्पिरिट के तो टुकड़े कर देता है। ये देख करके रोल ऑन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम दोनों की मार्शल स्पिरिट सिक्स लेवल की थी और तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे मेरी मार्शल स्पिरिट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं जैसे शौकिन के मुंह से खून आ रहा था वैसे रोल ऑन के मुंह से खून आ रहा था, और यहाँ पे किन्नान को काफी मजा आता है, क्योंकि वो अपने भाई का बदला ले चुका होता है, साथ में अपने सेक्ट का भी। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान के फादर के जान में जान आती है, और वो ऐसा टेरिफाइंग अटैक देखते हैं अपने बेटे का, और उसकी मार्शल स्पीड की पावर को देख करके उनको बिलीव नहीं होता है कि आखिर मेरा बेटा कब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर शिहाओ भी किन्नान की यहाँ पे तारीफ कर रही होती है, और कहती हैं अपने जूनियर ब्रदर से कि तुमने देख लिया ना कि हमारे शाओलिंग सेक्ट का डिसाइबल कौन बनने वाला है। तभी इस बात को सुनकर के शाओलिंग एकदम हैरान हो जाता है, और अपने सीनियर सिस्टर की हाँ में हाँ मिलाता है। अभी सिस्टर शिहाओ वहाँ पे अनाउंस कर देती है कि किन्नान आज से शाओलिंग सेक्ट का डिसाइबल बन चुका है, और ये सुनकर के रोल ऑन के तो होश उड़ जाते हैं, और कहता है इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी मार्शल स्प्रिट सिक्स लेवल की थी और मेरी भी, ये कैसे मेरी मार्शल स्प्रिट को तोड़ सकता है। तभी किन्नान कहता है बच्चे तुम अभी छोटे बच्चे हो, क्योंकि मेरी मार्शल स्प्रिट सिक्स लेवल की नहीं। तभी किन्नान अपनी मार्शल स्प्रिट को फिर से समन करता है, और तभी हम देखते हैं कि किन्नान की मार्शल स्प्रिट सेवन लेवल की शो करती है। फिर वो एक और लेवल अपना अपग्रेड करता है, और जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है किन्नान की मार्शल स्प्रिट
7 नहीं 8 लेवल की है। और तभी रोलॉन भी इस चीज को देख के उसके पसीने छूट जाते हैं, साथ में जितने भी एल्डर खड़े थे वो लोग हैरान हो जाते हैं। हॉकिन कहता है कि मानना पड़ेगा ये है किन्नान की पावर का सोर्स। और तभी किन्नान की सर्वेंट एकदम खुश होकर के अपने मास्टर को चीयर अप करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फैंग सिटी के हेड की भी एकदम तोते उड़ चुके होते हैं। वो मुंह खोल करके कुत्तों की तरह किन्नान को देख रहा होता है और खुद को कोस रहा होता है कि आखिर मैं ये चीज को कैसे नहीं पता कर पाया। तभी किन्नान उठ जाता है और सीनियर सिस्टर शीहाओ से कहता है कि सीनियर सिस्टर जैसा कि मैं आपके सेक्ट का इनर डिसाइबल बन गया हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने अपनी पावर को यहाँ पे हाइड किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी फैमिली में कौन गद्दार है और आप समझ सकती हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा था। तभी शियाओ कहती है मैं समझ सकती हूँ और वो काफी खुश होती है और कह देती है कि तुम आज से हमारे सेक्ट के डिसाइबल हो। ये सुन करके जो भी सेक्ट एल्डर किन फैमिली को छोड़ करके फैंग फैमिली में गए थे उनके होश उड़ जाते हैं। तभी किन्नान कहता है कि ब्रदर जियांग जो कि मैसेंजर होता है, क्या मैं सही हूँ कि आपने कहा था कि अगर मैं शॉलिंग सेक्ट का डिसाइबल बन जाऊंगा तो मैं अपने रास्ते में आए हुए जितने भी लोग हैं उनको अपने रास्ते से हटा सकता हूँ, क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे जियांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि इस लड़के ने तो अपनी बात में मुझे फंसा करके अपनी चीजें मुझसे उगलवा ली और अपनी पावर को हाइड करके बैठा था, मुझे इसका साथ देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये मेरी जरूर मदद करेगा। वो कहता हाँ अभी भी वो रूल लागू होता है, अगर तुम चाहो तो मैं इस फाइट में तुम्हारा साथ दूंगा, अगर मेरी जरूरत होगी तो तुम एक आवाज मुझे लगाना मैं आ जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं फैंग फैमिली का एल्डर कहता है गद्दार कहीं के, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे किन्नान सीनियर ब्रदर की बात सुनकर के उन्हें ग्रीट करता है और पलट करके फैंग फैमिली की ओर देखता है और कहता है कि अब बताओ तुम लोग का क्या किया जाए। कालिया तुम लोग तो अभी मेरी फैमिली को खत्म करने वाले थे ना। ये बात सुनकर के फैंग फैमिली का हेड तुरंत अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है कि प्लीज यंग मास्टर हमें माफ कर दे, यहाँ पे जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, मुझसे एक गलती हो गई थी जिस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर आप जो भी चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस हरकत के लिए शर्मिंदा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए यंग मास्टर। और वो गिड़गिड़ाने लगता है किन्नान के सामने। तभी हम देखते हैं ब्रदर शाओ के फादर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे अपने मगरमच्छ के आंसू रोना बंद करो क्योंकि अभी कुछ देर पहले तुम हमारी किन फैमिली को जड़ से खत्म करने वाले थे। और तभी वहाँ पे सिक्स एल्डर कहते हैं कि भाई कुछ दिन पहले तुमने हमारी कई माइंस पे कब्जा कर लिया और कई शॉप्स को बर्बाद कर दिया और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये पहली गलती है। और ये सुन करके तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं फैंग फैमिली के। तभी सिक्स एल्डर कहते हैं कि ये चीजें यही नहीं रुकी है, तुमने ना जाने कितनी बार हमारी फैमिली को खत्म करने की साजिश की है। इस बात को सुन करके फैंग फैमिली का हेड एकदम घबरा जाता है और सोचता है आज पक्का हम मरने वाले हैं। पीछे खड़े हुए वो एल्डर भी कहते हैं इस कदे के चक्कर में हम सब आज मरेंगे। तभी फैंग फैमिली का हेड वहां पे उन सबके सामने झुक करके उनसे माफी मांगने लगता है और कुत्ते की तरह रोने लगता है और वहां पे उसका साथ कोई भी नहीं देता है। सब यही सोचते हैं कि आज हम सबकी गर्दन कटने वाली और सब कोई अपना मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि लिए उन लोगों की पोल यहाँ पे खुल रही होती है। तभी फैंग फैमिली का हेड कहता है कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे तो जो जहर मेरे एल्डर ने आप लोगों को दिया उसका एंटीडोट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये आप लोग सॉरी के तौर पे रख लें। इस बात को सुन करके किन फैमिली के लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, वहां से कोई और बोल पाता। तभी किन फैमिली के हेड जो कि किन्नान के फादर होते हैं वो बैटल अरीना में चलते हुए आते हैं जो कि एकदम सही सलामत होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमें एंटीडोट देने की क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत पहले ही ये चीजें पता लगा ली थी कि हमारे ही सेक्ट में कोई गद्दार बैठा हुआ है और हमारे साथ ये सब चीजें होने वाली हैं, इसीलिए मेरे बेटे ने बहुत पहले से ही अरेंज करके रखा था एंटीडोट। ये सुन करके फैंग फैमिली के हेड की तो एकदम फट के चार हो जाती है और वो कहता है कि क्या इन लोगों को पहले से पता था कि हम लोग इन लोगों के ऊपर छुप करके अटैक करने वाले हैं, और ये किन्नान कितना ज्यादा चालाक निकला। और तभी हम देखते हैं किन फैमिली के सारे डिसेबल चिल्ला रहे होते हैं कि किन फैमिली को तो इस लिंसी सिटी से बाहर निकाल करके फेंक देना चाहिए, उन्हें तो चांद से मार देना चाहिए, तो कोई कहता है उनके सर को कलम कर देना चाहिए। ये सुनकर के फैंग फैमिली का हेड बहुत मायूसी भरी नजरों से दोनों सीनियर्स की ओर देखता है, मगर जियांग के साथ साथ सिस्टर सीहाओ भी उससे मुंह फेर लेती है। और यहाँ पे फैंग फैमिली के हेड को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे उसका साथ कोई भी नहीं देने वाला, यहाँ तक कि जियांग भी अब उसका साथ नहीं देगा। और तभी फैंग फैमिली का हेड कसम खाता है कि मैं लिंसी सिटी से बाहर चला जाऊंगा और मैंने जो भी नुकसान किया है वो मैं सूद समेत वापस कर दूंगा
और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही गॉसिप करते हुए कुछ अंकल्स का दिखाया जाता है जो बैठ करके बड़े मजे से पी रहे होते हैं। ये तीनों वही होते हैं और कहते हैं किन्नान ने तो फैंग फैमिली की तो बैंड बजा दी, और किन्नान इतना ज्यादा पावरफुल निकला कि उसने तो चंदी अटैक में फैमिली के यंग मास्टर की बैंड बजा दी। और अच्छा हुआ कि फैंग फैमिली इस सिटी से बाहर दफा हो गई और अब हमारी लेंसी सिटी उन लोगों के आतंक से सेफ हो गई, भला हुआ हमारे यंग मास्टर का। और तभी हम देखते हैं कि फैंग फैमिली की यंग सिस्टर जो कि रोलॉन की बहन थी वो रोड पे कहीं गिरी पड़ी रहती है, उसकी बहुत खस्ता हालत होती है। और तभी उसका बॉडीगार्ड दौड़ते हुए उसके लिए खाने का लेकर के आ रहा होता है, जो देख करके वो उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि फैंग फैमिली का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि उनसे पूरी प्रॉपर्टी छीननी होती है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं अपने बेटे को देख करके। साथ में ब्रदर शाओ के फादर भी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि किन्नान मुझे माफ़ करना, तुम्हें 500 बॉडी रिफाइनिंग पिल दी जा रही थी तो मैं ही सबसे पहला वो इंसान था जो मना कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल और हमारे सेक्ट के बारे में इतना कुछ सोचते हो तो मैं एक्स्ट्रा 500 और पिल ऐड कर देता। और तभी इस बात को सुनकर के किन्नान के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी मैं सही फैसले लेता हूँ तो कभी कभी गलत, और आप लोग जब मेरी गलत फैसलों पे टोकते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप शर्मिंदा मत हो। और तभी हम देखते हैं शाओ किन्नान के पास आता है और उसे मुबारकबाद देता है और कहता है भाई मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम कलिंग सेक्ट के इनर डिसाइबल बनने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाना, मगर याद रहे तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ और मैं एक ना एक दिन ये प्रूफ करके रहूंगा कि मैं अपने यंग मास्टर से ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये बात सुनकर के किन्नान और ब्रदर शाओ के फादर बहुत तेज तेज से हंसने लगते हैं कि फाइनली इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है और अब इनके सेक्ट में सब कुछ अच्छा भला होगा, यानी कि कुशल मंगल। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर